बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। सफ़ेद जीके एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तुलबा को खुश आमदीद कहते हैं। जी जनाब, पीपीएससी की न्यूज़ अपडेट के साथ आज की अहम तरीन न्यूज़ अपडेट जितनी भी हमारे पास मौजूद है आपको प्रोवाइड करेंगे। सैटरडे संडे को होने वाला जो पेपर है उसकी तमाम रूल नंबर स्लिप अपलोड कर दी है, और इसके अंदर एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर पीपीएससी ने क्लबिंग डिटेल ऑफ क्लब क्लब किया है। डिटेल ऑफ क्लब में ये आईडी नंबर 62 है, इसमें जनाब जो पेपर हो रहे हैं वो मॉनिटरिंग ऑफिसर को हो रहा है, असिस्टेंट सेक्रेटरी को हो रहा है, चाइल्ड प्रोटेक्शन को हो रहा है, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर को हो रहा है, इन सब का सिलेबस एक ही है। तो जब आपने रूल नंबर स्लिप अपलोड डाउनलोड करनी है तो यहाँ पे आपने आईडी कार्ड पर इंटर करेंगे और यहाँ पर आप कोड सेलेक्ट करेंगे 62J1। उसके बाद आईडी कार्ड इंटर करेंगे तो यहाँ स्लिप अपलोड हो जाएगी, ठीक हो गया। और ये जनाब जो पीपीएससी ने जो तहसीलदार है और असिस्टेंट की जो पोस्ट है उसके बारे में थोड़ी डिटेल भी बता दी है कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ चाहिए और क्या क्या नहीं चाहिए। ये सारा कुछ उन्होंने यहाँ पे ओरिजिनल एक मतलब डिस्क्राइब किया है कि आपको क्या क्या करना होगा। खैर, पीपीएससी ने अभी तक जो है इसका सिलेबस अपलोड नहीं किया अबाउट तहसीलदार, तो यहाँ पर एक्चुअली 11-10 को ये अच्छा जी हाँ जी सिलेबस जनाब उन्होंने अपलोड कर दिया है। सिलेबस के अंदर जो है इंग्लिश कंपोजिशन ये होगी, ठीक हो गया, 200 नंबर एक्सरसाइज, लेकिन ये वाली जो चीज़ है इसके अंदर उन्होंने ये डिस्क्राइब नहीं किया इंग्लिश के अंदर क्या आएगी और उर्दू के अंदर क्या आएगी। बाकी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि 50 नंबर के ऐसे होगा और 50 नंबर की कंपोजिशन होगी। कंपोजिशन के अंदर कंप्रीहेंशन हो गया, ट्रांसलेशन हो गई और सेंटेंस हो गया। इसी तरह उर्दू में 50 नंबर का ऐसे हो जाएगा और 50 नंबर की कंप्रीहेंशन, ये सेम वही हो जाएगा, तलखीस हो जाएगी, ट्रांसलेशन हो जाएगी और कुछ फिक्रात हो जाएगी। ये जीके का तो आपको पता है, और जीके के अंदर 30 नंबर का कंप्यूटर आना है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। और ये रेवेन्यू लॉज हैं और ये जनाब बीपीपीएससी को क्लियर करना चाहिए कि रेवेन्यू लॉज में से कौन कौन सी चीज़ें हमें जो है करनी चाहिए। खैर, इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर जो है मैं आपको बता दूँ कि आपने रेवेन्यू एक्ट 1967 जो है ना, एक्चुअली पिछले जितने रेवेन्यू एक्ट थे सबको ख़त्म करके रेवेन्यू एक्ट 1967 बनाया गया, इसलिए ये वाला रेवेन्यू एक्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जनाब आपने अच्छी तरह से याद करें। इसके बाद जनाब हमारे सामने पीपीएससी की जो और न्यूज़ है अपकमिंग, जो आप वही सेम की सेम पड़ी हुई है, कैनाल पटवारी का शेड्यूल इंशाल्लाह इसी वीक में हो जाएगा, कल या परसों, और पेपर इंशाल्लाह 29 या 30 अक्टूबर को होने का पूरा चांस है। बाकी इंशाल्लाह ताला ये पेपर हो रहे हैं, और जो जनाब एतवार सोमवार जो आ रहा है ये आपके सामने 21 और 22 को पेपर कोई भी नहीं होगा, 28-29 को होगा जो भी होगा। जी जनाब, अपना तहसीलदार के पोस्टों के ऊपर और इसी तरह जो पीपीएससी वन पेपर की तैयारी हो रही है उसके ऊपर हमने ग्रुप 3 महीने का स्टार्ट किया है और अल्हम्दुलिल्लाह ग्रुप फुल हो चुका है। आज लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन करवाने की, जो भी स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन अपनी करवाना चाहते हैं वो करवा लें जनाब, क्योंकि आपको पता है कि हम जो है जो भी हम स्टूडेंट से पढ़ाते हैं अगले दिन टेस्ट लेते हैं, ये हमारा टेस्ट नंबर 2 है, अभी स्टार्ट हुआ है। जो लोग ज्वाइन करेंगे उनको पिछले टेस्ट भी मिल जाएंगे, उनको जनाब जो डाटा है वो भी मिल जाएगा, लेक्चर हमारे रिकॉर्ड होते हैं वो भी सारे मिल जाएंगे। तो ये जनाब देख लें, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी स्टूडेंट जो है रजिस्टर हो चुके हैं। इसके अलावा जनाब जो हम लेक्चर प्रोवाइड करते हैं उसके बाद हम डाटा देते हैं, तो हम उस डाटा के साथ पीपीएससी पेपर मॉडल पेपर जो है जितनी भी पूरी किताब वो सबसे पहले ख़त्म करवाते हैं और उसके बाद फिर मदीद कुछ करवाएंगे। तो इंशाल्लाह तहसीलदार के चारों पेपर की तैयारी करवाई जाएगी, इसमें तमाम एक्ट ये सब कुछ करवाया जाएगा। तो जो स्टूडेंट रजिस्टर्ड होना चाहता है जिस वीडियो के नीचे लिंक के ऊपर जनाब पूरी डिटेल दी हुई है उसको जनाब उसके जरिए ज्वाइन कर सकते हैं। इंशाल्लाह हमारी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।